हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस कंप्लीट प्लेलिस्ट में पावर बीआई की यूनिट नंबर 4 जो होगी स्लाइजर्स। इससे पहले आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा स्टैक कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनर चार्ट, फनल चार्ट, रिबन चार्ट और कई सारे फंक्शंस भी हमने इसके अंदर देखे थे। अब देखिए कुछ एडवांस चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसे मैं आप लोग को आगे आने वाली यूनिट पे बताऊंगा, तो आप लोग इसे जो है सीक्वेंस वाइज फॉलो करिए एक के बाद एक यूनिट को। फिर हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 के अंदर देखा था जो था टेबल एंड मैट्रिक्स। टेबल एंड मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे बनाना सीखा। उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 की। जब भी आप लोग को पता होगा कि मैंने कोई भी यूनिट स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग को उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं और समझते हैं कि स्लाइजर्स होता क्या है। यूनिट नंबर 4 में हम लोग 4.2 लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग एक टैग स्लाइजर्स बनाते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग कैसे करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डेट स्लाइजर्स हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग कैसे करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि नंबर स्लाइजर्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो स्लाइजर्स है वो होता क्या है, वो फिल्टर की तरह वर्क करता है या नहीं करता है, रिपोर्ट में इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि स्लाइजर्स होता क्या है। जब हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखता है ये स्लाइजर्स का सिंबल होता है। ये सिंबल जस्ट टेबल का जो सिंबल है और हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है जिसको लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा है, इसके बाजू में होता है। कई बार माइक्रोसॉफ्ट जो है इस पर अपडेट देता है तो ये विजुलाइजेशन के जो सिंबल्स है आपको रीअरेंज होते हुए दिखेंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ऐप में आप लोग के लिए अपडेट लेक्चर अपडेट कर दूंगा तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग स्लाइजर्स पे क्लिक करते हैं और स्लाइजर्स को हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दो तरीके से दिख रहा है। एक यहाँ पे जो फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी जो दिख रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो आपको एक कॉलम फॉर्मेट में दिख रहा है, ये आपको एक रो फॉर्मेट में दिख रहा है। दोनों केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट में है। बाकी स्लाइजर्स को यदि हम लोग आसान भाषा में समझें तो यहाँ आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर यदि मैं क्लिक करूंगा, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर की तरह ही काम करता है। तो एक आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको कहूँ तो स्लाइजर जो होता है एक फिल्टर की तरह ही होता है, जिसको हम लोग आज इसके अंदर बनाकर देखेंगे। एक स्लाइजर को बनाने के बाद हम लोग इस स्लाइजर में किस तरीके से डेट स्लाइजर्स, नंबर स्लाइजर्स बनाएंगे ये हम लोग देख लेते हैं हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक फर्स्ट स्लाइजर को क्रिएट करते हैं। सो आप भी मेरे साथ साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा स्लाइजर को बनाकर देखते हैं। ये जो स्लाइजर्स का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ बटन पे तो यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन ओपन हो जाता है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको जो स्लाइजर है एक तरीके से यहाँ बन चुका है। इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉपी करके विजुअल्स का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने पेस्ट पे क्लिक किया। अब इसी स्लाइजर को मैं हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट करता हूँ, स्लाइजर्स की सेटिंग्स में जाकर क्लिक करता हूँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्लाइजर हम दोनों ने एक तरीके से यहाँ पे बना लिया है दोनों स्लाइजर को। मैं यहाँ पर आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो स्लाइजर्स है वो एक बटन के फॉर्मेट में जब एक रिपोर्ट को स्टडी करना होता है उसमें किस तरीके से हम लोग एक स्लाइजर बनाते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे फर्नीचर में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव बटन की तरह ये काम कर रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा क्रिएट टेक्स्ट स्लाइजर। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को देखेंगे, टेक्स्ट स्लाइजर कैसे वर्क करता है और ये बटन्स के थ्रू रिपोर्ट में हम लोग कैसे इसे अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग इसी स्लाइजर का जो अनदर फॉर्मेट है डेट फॉर्मेट, इसको देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से इसमें हम लोग कैसे एक फिल्टर की तरह एक स्लाइजर को यूज कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को भी समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर 4.5 के अंदर। फॉर्मेट डेट स्लाइजर को समझने के बाद हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर 4.6 पे, जिसपे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक नंबर स्लाइजर यहाँ पे वर्क करता है। तो हमने देखा कि हम लोग कैसे एक स्लाइजर को क्रिएट कर सकते हैं और स्लाइजर को हमने समझा। अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा 4.2, जिसमें हम लोग एक क्रिएट करेंगे हमारा फर्स्ट टैग स्लाइजर को, जिसको मैं आपको यहाँ पर एक टेबल के साथ इसी स्लाइजर को बनाकर दिखाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि स्लाइजर किस तरीके से वर्क करता है। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।